नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। दीपावली के दिन ही रिलायंस कंपनी की लापरवाही से बुझ गए दो घर के चिराग। मामला रिलायंस कोल ब्लॉक का। डंपर की चपेट में आया बोलेरो, दो की मौत। ब्यूरो रिपोर्ट सिंगरौली, राजेश वर्मा। रिलायंस के शासन पावर लिमिटेड कोल ब्लॉक अमलोरी के खदान में दीपावली के दिनों ही दो घरों का चिराग बुझ गया। बताते हैं कि शनिवार को शाम 5:30 बजे के लगभग नवानगर थाना क्षेत्र के अमलोरी गांव निवासी व खुटार चौकी क्षेत्र के खटखरी गांव निवासी की खदान में कार्य के दौरान एक बोलेरो से जा रहे थे कि इतने में ही अचानक होल पैंक डंपर के चपेट में आ गए। शनिवार की शाम हुई इस घटना में जहां बोलेरो चालक सहित सामने बैठे हुए व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पीछे की सीट पर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल के में इलाज चल रहा है। उक्त घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। वहीं परिजनों ने देर रात तक मुआवजे की बात को लेकर अड़े रहे। उनकी मांग थी कि कंपनी उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा व कंपनी में स्थायी नौकरी दे। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंध की लापरवाही से खदान में दुर्घटना हुई है। उधर स्थानीय लोगों की माने तो कंपनी प्रबंधन खदान में सुरक्षा व सेफ्टी को लेकर काफी अनदेखी की है, जिसका नतीजा है कि खदान में आज इस तरह की बड़ी घटनाएं हुई है। आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी हादसों का गढ़ बन गई है। अब तक एस डैम सहित कई मामले सामने आए हैं और न जाने कितने घरों का अब तक चिराग रिलायंस कंपनी द्वारा बुझा दिया गया, लेकिन आज तक कंपनी प्रबंधन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सूत्रों की माने तो लाश पर राजनीति करने वाले नेताओं व जनप्रतिनिधियों का कंपनी से लगाव के कारण आज तक कंपनी प्रबंधन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, रिलायंस कंपनी की लापरवाही से जब एस डैम फूटने से दो मासूमों सहित कई लोगों की मौत हो गई थी, उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर KVS चौधरी द्वारा कंपनी प्रबंधन पर मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके कारण केंद्र तथा अपनी पहुंच रखने वाले अंबानी कंपनी पर जिला कलेक्टर को हार डालना महंगा पड़ गया और उन्हें जिले में तबादला कर दिया गया। या ये कहें कि जो जनता की आवाज उठाएगा और यहां की कंपनी पर कार्यवाही करेगा, भाजपा सरकार में उसका तबादला होना निश्चित ही है। सबसे बड़ी बात, सिंगरौली जिले वासियों की जमीनें कंपनी ने औने पौने दामों में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के दबाव में लेकर अपनी कंपनियां तो डाल दी, लेकिन युवा बेरोजगारी और अकाल मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां एक तरफ लोग अपने घरों में चिराग लगाकर घरों को रोशन कर खुशियां मना रहे थे, वहीं दो घरों की चिराग कंपनी ने बुझा दिया। घर में खुशियों की जगह मातम छा गया।